आईडी को एक्टिव, और यही काम आपको दूसरे लोगों से करवाना है, सिंपल है। अब आपके पास पता है कि फर्स्ट लेवल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मिनिमम 10 लोगों को एक्टिव करवाना होगा, है ना। अब ये 10 लोगों को एक्टिव कराना होगा तो एक आदमी ने क्या किया, टारगेट नहीं लिया और बस ज्वाइन करने के बाद निकल पड़े मार्केट में, इसको प्लान बता दिया, उसको प्लान बता दिया, ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात, नहीं तो भैया तेरी मर्जी और मैं अपने घर, है ना। दो दिन काम किया, चार दिन काम किया, कभी निराश हो गए, कभी टाइम नहीं मिला, कहीं कहीं बिजी हो गए, कोई टारगेट नहीं, अरे हो जाएगा यार, आराम से कर लेंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट लेवल अचीव करने में भी लोगों को 3-3 महीने लग जाते हैं, कई बार होता है, आपके डाउनलाइन में भी होता होगा, है ना। लेकिन दूसरा आदमी एक टारगेट लेता है, मतलब पहले तो उसने मन बनाया कि मुझे करना है, 100% करना है, हर हाल में करना है, मुझे पैसा कमाना है यार, है ना। पहले तो अपना टारगेट ले लिया, टारगेट लेने के बाद अब आपने टारगेट लिया कि मुझे इन 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, और मैं टारगेट लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का, कि 15 दिनों के अंदर मुझे 10 लोग ज्वाइन कराने ही कराने हैं, करा सकते हैं, मतलब रोज़ का एक आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पूरे दिन भर में एक आदमी को ज्वाइन कराना है, है ना। तो एक आदमी को ज्वाइन कराने का टारगेट लेंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे, लेकिन हम 5 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि चलो कभी कभी एक ज्वाइनिंग भी नहीं निकली, तो 15 दिन में आपने किया टारगेट पूरा उनको ज्वाइन कराने का, उसके बाद में नेक्स्ट 15 दिन और देता हूँ मैं, और इन 15 दिनों के अंदर टारगेट लेना होगा इन 15 लोगों को एजुकेट करने का, ठीक है। तो इनको एजुकेट भी करना है, एजुकेट क्या करना है, इनको कंपनी के प्लान के बारे में समझाना है, कंपनी के ऑफिस के बारे में बताना है, कंपनी की सारी प्लानिंग के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाना है, फिर इनको आगे काम कैसे करना है वो सिखाना है, इनके विज़न को क्लियर करना है कि भाई देख मैं यहाँ पे आया हूँ करोड़ों रुपये कमाने, और मैंने आपको ज्वाइन करा दिया, अब आप बताओ कि आप मेरे साथ इस सफ़र में हो या नहीं हो, आपको करोड़ों चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं भाई मेरे को नहीं करोड़ों चाहिए यार, मेरे को तो 124 में जो रिचार्ज मिल रहा है ना वही बहुत है, अच्छा भाई तू अपना रिचार्ज लेता रहा लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, तेरे को मैंने ज्वाइन करा दिया तो अपना टास्क करता रहा, अपने रिचार्ज लेता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ आपके ऊपर टिकना नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट है करोड़ों कमाने का, तो आपसे तो नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे जाना होगा किसी दूसरे आदमी के पास। तो आपको सिर्फ मात्र 10 लोग ढूंढने हैं ऐसे जो आपकी सोच रखते हों और 15 दिन का टारगेट लेके काम कर सकें, सिंपल। वो 10 लोग ढूंढने हैं पूरे हिंदुस्तान में से, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट है क्या? नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन इस एक महीने के अंदर अगर आपने ये काम किया, 15 दिन में 10 ज्वाइनिंग, और अगले 15 दिन में उन 10 ज्वाइनिंग को पूरा एजुकेट करना, उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनका विज़न क्लियर करना कि भाई तुम यहाँ से कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी, लोग यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? Yes. कमा रहे हैं ना, तो जब वो कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं, प्लान ऐसा है। अब एक महीने का अगर ये टारगेट लेके अगर हमने काम किया और यही टारगेट हमने पास कर दिया अगले 10 लोगों को, तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ये 10 लोग भी सेम वही काम करेंगे, अगले 15 दिन में 10-10 ज्वाइनिंग करवाएंगे और अगले 15 दिन में इनको एजुकेट करेंगे, सेम ही काम करना है ना। ये बिजनेस है डुप्लीकेसी का, अगर आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया तो आप कामयाब, और अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पाए तो आप असफल, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर यही सेम काम एक महीने में आपने किया और आपने इनको सिखा दिया और सेम एक महीने के अंदर ये लोग काम करते हैं, तो आपका सेकेंड लेवल कब हो जाएगा, अगले महीने सेकेंड मंथ में। सेम यही चीज़ चलेगी तो थर्ड लेवल आपका तीसरे महीने में हो गया, चौथा लेवल आपका चौथे महीने में हो गया, पांचवा पांचवें महीने में हो गया, छठा छठे महीने में हो गया, और सातवां लेवल सातवें महीने में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, लॉजिक है, फार्मूला है, इस फार्मूले से काम करेंगे, टारगेट लेके काम करेंगे तो 7 महीने के अंदर भी अगर कोई चाहे तो अपने 7 लेवल पार कर सकता है, और 7 लेवल पार करने के बाद इनकम कितनी आती है, सिर्फ कैश मनी की लगाओ तो लगभग 7 लाख रुपया पर डे की इनकम है, थोड़ी है क्या? तो अब मुझे बताओ 7 लाख रुपए पर डे कमाना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल को रिचार्ज फ्री करना है? तो पर डे कमाना है तो टारगेट लेके काम करना पड़ेगा, ऐसे अनदेखा अनचाहा कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो अपने बाप का क्या जा रहा है, उस तरीके से करेंगे तो फिर तो जैसे दुनिया है वैसे है ना।
तो अगर टारगेट लेके काम करेंगे तो 100% आप लोगों को ये सफलता मिल सकती है। डिसीजन आपको लेना है, ज़बरदस्ती कोई आपके साथ करेगा नहीं, ना गुलजार जी करेंगे, ना फैजी सर करेंगे, ना मैं करूँगा, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से कोई काम नहीं होता। ये तो आपका डिसीजन है, आपको पैसे चाहिए, आपको सफलता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं सभी? यस सर। तो कर लेंगे ये चीज़? यस सर। क्या करेंगे आज के बाद? अब तक सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आज तक आप लोगों ने जो किया जैसा किया उसको भूल जाओ। अभी जब हमने एनिवर्सरी मनाई कंपनी का, एक साल कंप्लीट हुआ, एक साल कंप्लीट होने के बाद मैंने सभी लीडरों के साथ जो मीटिंग्स की हैं, सभी लीडरों से जो बातचीत की है, वो एक ही बात की है कि पहले एक साल में आप लोगों ने जो किया जैसा किया उस पे काटा मार दो, उसको भूल जाओ। अब ये परफॉर्मेंस पीरियड है, इस परफॉर्मेंस पीरियड में एक नए तरीके से आपको काम करना होगा अगर आप चाहते हैं इसमें और ज़्यादा आगे तक बढ़ना। और नया तरीका ये है कि जब तक हम टारगेट खुद नहीं लेंगे और जब तक हम टारगेट अपने फर्स्ट लेवल वालों को नहीं देंगे, कम से कम फर्स्ट लेवल वालों पे फोकस करना पड़ेगा, तब तक ये बिजनेस आगे बड़ा ग्रो आपका नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये है कि मान लीजिए आप 3 लोग हैं सर, ठीक है, अब भाई साहब जो हैं वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने क्या टारगेट ले लिया, अपनी फर्स्ट लेवल का भी टारगेट दे रहे हैं, ये तो हो गए कामयाब, आप नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि सिस्टम वही है, प्लान वही है, इनकम वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, सारी चीज़ें सेम है। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक आदमी सिर्फ 2000 रुपए महीना कमा रहा है तो कसूर किसका? 2000 वाले का। कंपनी का तो नहीं है ना, कंपनी का तो सिस्टम सबके लिए बराबर है। तो करने के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग करना चाहते हैं वाकई में और आप 100% इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने अपने फर्स्ट लेवल वालों को ढूंढना है। हो सकता है आपके पास पहले से हो, और अगर नहीं है तो नई ज्वाइनिंग कराओ।